अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को बताया कि सी यू टी यू जी 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है, लगभग 12 दिन यहाँ पे हो गए एग्ज़ाम को चलते हुए। अभी 3-4 दिन और एग्ज़ाम आपका होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट, देन आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो आ जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग वगैरह करनी होगी। तो यहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा कुछ डेज में। तो सभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि कितने स्टूडेंट्स का मतलब एग्ज़ाम दिया है, क्या मतलब सूरत हाल रही है एग्ज़ाम की, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं सीयूटी यूजी 2023 जो 12 दिनों का एग्जाम रहा उसका यहां पे क्या सूरत हाल रहा है। ठीक, तो एनटीए की तरफ से आज एक ऑफिशियल डेटा यहां पे रिलीज किया है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो 12 दिन यहां पे हो गए जून 1 तक एग्जाम को चलते हुए, इसमें एनटीए ने लगभग 21,70,353 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम रखा था, यानी कि 21,70,353 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 1 जून तक था 12 दिनों में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 72% स्टूडेंट्स ने जो वो पार्टिसिपेट किया एग्ज़ाम में, यानी कि 30% स्टूडेंट्स ने जो वो एग्ज़ाम नहीं दिया, 28% स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया, 72% स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और अपना पेपर यहाँ पे दिया। ठीक, 12 दिन एग्ज़ाम चलता रहा, लगभग 303 सिटीज़ में एग्ज़ाम रहा, 720 सेंटर में रहा पूरे इंडिया में। तो इसमें यहाँ पे 21,70,000 के प्लस जो है वो स्टूडेंट्स का एग्जाम रहा था, जिसमें 72% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा। 72% तो ठीक ही है, उतना ज़्यादा भी नहीं है और उतना कम भी नहीं है, ठीक ही है 72%। तो 72% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया 303 सिटीज़ में और 720 एग्जामिनेशन सेंटर्स में। ठीक, तो ये था एनटीए का 12 दिनों का जो है वो मतलब डेटा कि कितना मतलब क्या सूरत हाल रही है एग्ज़ाम की, जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। अभी जो है वो हर रोज़ आता रहता है इसका शेड्यूल, अभी 3-4 दिन और चलेगा तो उसका भी शेड्यूल आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी 12 दिनों के जो सूरत हाल रही है एग्ज़ाम की वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, सारा डेटा मैंने आपको जो है वो डिस्कस किया। तो अभी किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स का अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंटीमेशन स्लिप नहीं आ रही है, तो उनको टेंशन नहीं लेनी है, एक दो दिन में उनका इंटीमेशन और एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। 5 और 6 जून को यहाँ पर आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।